परंपरागत उद्योगों के पुनः सृजन हेतु निधि स्कीम स्फूर्ति। केंद्र सरकार का एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं कैर बोर्ड के माध्यम से परंपरागत उद्योगों के पुनः सृजन के लिए निधि योजना यानी स्फूर्ति का संचालन कर रहा है। यह क्लस्टर आधारित योजना है जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा कैर क्लस्टर के समुचित विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसमें आधुनिक उपकरण, जन सुविधा केंद्र, व्यवसाय विकास सेवा, प्रशिक्षण, क्षमता विकास, डिजाइन एवं विपणन सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना में खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टर के लिए केवीआईसी और कैर आधारित क्लस्टर के लिए कैर बोर्ड नोडल एजेंसी हैं। परंपरागत उद्योगों के कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्हें क्लस्टर स्तर पर संगठित कर सहयोग दिया जा रहा है। बाजार की आधुनिक आवश्यकताओं जैसे नए उत्पाद, डिजाइन सुधार, बेहतर पैकेजिंग, क्लस्टर के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और मार्केटिंग की दृष्टि से सुधार को ध्यान में रखकर योजना के अंतर्गत उद्यमियों को सहायता दी जा रही है। एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई स्फूर्ति स्कीम के तहत गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस, केंद्रीय या राज्य सरकार के संस्थान, सेमी गवर्नमेंट संस्थान, पंचायती राज्य संस्थान और क्लस्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस आवेदन कर सकती हैं।